आप देख रहे हैं समाचार ए टू ज़ेड। समापन नारी सुरक्षा सप्ताह। पुलिस अधीक्षक गाजीपुर द्वारा नारी सुरक्षा सप्ताह हेतु पुलिस लाइन की महिलाओं को यूपी पुलिस की पावर एंजल एंटी रोमियो स्क्वाड वुमेन हेल्पलाइन 1090 यूपी 100 की सेवाओं की जानकारी दी गई। वही महिलाओं को सुरक्षित व सशक्त बनाने के लिए जागरूक किया गया। किसी भी घटना पर चाहे वह छोटी हो या बड़ी, बिना डरे तत्काल 1090 पर सूचना देनी चाहिए। दहेज लेना व देना दोनों अपराध की श्रेणी में आते हैं। विवाहित महिलाएं जो दहेज के लिए प्रताड़ित होती हो, चुप न बैठें। तुरंत 1090 या 100 नंबर या पुलिस अधीक्षक के नंबर पर सूचित कर सकती हैं। 1090 पर कॉल करने वालों का नाम गोपनीय रखा जाता है, इसलिए महिलाओं को कॉल करने में घबराना नहीं चाहिए। हिंसा के खिलाफ आवाज उठाएं, महिलाओं की पूरी सहायता की जाएगी। 4 दिसंबर से नारी सुरक्षा सप्ताह का जगह जगह स्कूल कॉलेज में संदेश दिया जा रहा है। उसी सिलसिले में आज पुलिस लाइन में एक कार्यशाला का आयोजन हुआ। इसमें सरकारी आशाएं, बहुएं, आंगनबाड़ी के लोग हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि नारी सुरक्षा को लेकर महिलाएं भी सशक्त हो जाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यदि आप दूसरी जो जो अलग जो मुख्य कार्य पहला होगा मैं आपको आगे हमारे 4 दिसंबर से नारी सुरक्षा सप्ताह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जगह जगह में स्कूलों में बच्चियों को संदेश दिया जा रहा है। उसी सिलसिले में आज यहाँ पुलिस लाइन में कार्यशाला एक मीटिंग की अरेंजमेंट किया गया था, जहाँ पे जो सरकारी गवर्नमेंट आशा के मेंबर्स हैं, आंगनबाड़ी के लोग हैं, जिनकी पेनिट्रेशन गाँव-गाँव पे है, घर घर में है, महिलाओं के बीच में है, उनको ये बुलाया गया था। मुख्य उद्देश्य ये था कि जो जो जगह पे ये लोग पहुंच जाते हैं, इनको हम जानकारी दे दें, जागरूकता बढ़ाएं इनकी, ताकि बाद में भी इनके द्वारा वो जिस महिलाओं के संस्पर्श में ये लोग आएंगे, उनको वो अपना ये सूचना इन्फॉर्मेशन दे दें, ताकि वो महिलाएं भी सशक्त हो जाए और अब खामोश ना रहे और अपनी दिक्कतें प्रॉब्लम जो है किसी न किसी माध्यम से हमारे पास पहुँचाए, ताकि उस पर कार्रवाई करके उनकी प्रॉब्लम का समाधान कर दिया जाए। आप देख रहे हैं समाचार ए टू ज़ेड।